तुला राशि वालों, शुक्रवार का दिन 10 नवंबर विषम योग हस्त नक्षत्र में चंद्रमा बुध के प्रभाव के साथ दिन की शुरुआत होगी। बृहस्पति और शुक्र की दृष्टि होगी। आज का दिन आपके लिए भाग्यशाली सौभाग्यशाली होगा क्योंकि आज धनतेरस है और धनतेरस पर तुला राशि वालों के लिए भाग्यशाली दुर्लभ संयोग शुभ योग बन रहा है जो आपके जीवन में समृद्धि सुख सौभाग्य लेकर आएगा, जो सफलता देगा, नए काम की शुरुआत करेगा, आपके जीवन में तरक्की उन्नति का योग बनाएगा और अनंत फल की प्राप्ति का शुभ कार्य का सामर्थ्य और आपके जीवन में महालाभ का योग बनेगा। तेजी से आपकी लोकप्रियता बढ़ेगी। बड़ी खुशखबरी, शुभ समाचार, तरक्की का योग बन रहा है क्योंकि आज कर्म का स्वामी चंद्रमा और आपके भाग्य का स्वामी बुध अपने प्रभाव से आपको प्रभावित कर रहा है। आपकी कुंडली के लग्न भाव में आज धन का स्वामी मंगल और लाभ स्थान का स्वामी सूर्य का गोचर हो रहा है, जिसके ऊपर सप्तम भाव में बैठे बृहस्पति की शुभ दृष्टि है। पंचम भाव में सुख का स्वामी शनि बैठा है और आपकी कुंडली में लग्न का स्वामी शुक्र चंद्रमा और केतु के साथ गोचर कर रहा है। धनतेरस का दिन आपके लिए सौभाग्य लेकर आया है। अब आप अपने लक्ष्य की प्राप्ति करेंगे, अपने सामर्थ्य से सफलता कामयाबी पाएंगे, कार्य कुशलता से महत्वाकांक्षा आपकी पूरी होगी। आपके लिए आज का दिन भाग्यशाली सौभाग्यशाली साबित होगा क्योंकि धनतेरस आपके लिए शुभ है और तुला राशि वालों के लिए धनतेरस का शुभ मुहूर्त 5:47 से 7:47 रहेगा। इस दौरान आप कौड़ी, गोमती चक्र, कमल गट्टा, लक्ष्मी गणेश की मूर्ति, बतासा, धनिया, झाड़ू और चांदी का सामान खरीदें। निश्चित ही आपकी किस्मत बदल जाएगी, निश्चित ही आपके जीवन में भाग्य आपके खुल जाएंगे क्योंकि तुला राशि वालों के लिए धनतेरस काफी शुभ है जो आपके भाग्य को चमका रहा है, जो आपके जीवन में लाभ सौभाग्य लेकर आया है, जिसके प्रभाव से बड़ी सफलता कामयाबी खुशखबरी भाग्य में धन संपत्ति का सुख है और जीवन में खुशी बढ़ता जाएगा। तो तुला राशि वालों, चलिए जानते हैं विस्तार से आज का तुला राशि फल। जय श्री राम, जय हनुमान, ओम श्री हनुमन्ते नमः। संकट से रक्षा करो हे महावीर हनुमान, संकट मोचन कृपा निधान। जय हनुमान, जय जय हनुमान, निश्चय प्रेम प्रतीते, विनय करे सम्मान, तेहि के कारण सकल शुभ सिद्ध करे हनुमान। हनुमान जी आपको भाग्यशाली बनाए, संकट से रक्षा करो हे महावीर हनुमान, संकट मोचन कृपा निधान। जय हनुमान, जय जय हनुमान। शुक्रवार का दिन 10 नवंबर कार्तिक माह कृष्ण पक्ष की द्वादशी तिथि 12:35 तक, उसके बाद त्रयोदशी तिथि आरंभ होगा। विषम योग में हस्त नक्षत्र में चंद्रमा के प्रभाव के साथ दिन की शुरुआत होगी। आज धनतेरस है, धनतेरस पर ग्रहों के दुर्लभ योग, आपकी कुंडली का शुभ संयोग और राजयोग में बेहद ही शुभ फल की प्राप्ति होने वाली है। आपकी कुंडली में शुभ कार्य करने का सुंदर योग बन रहा है, जिससे धनतेरस का दिन आपके लिए काफी लाभकारी होगा। सौभाग्यशाली आप हैं, भाग्यशाली आप हैं, आपकी किस्मत बदलने वाली है, आपके भाग्य चमकने वाले हैं क्योंकि धनतेरस पर बनने वाला शुभ योग और आपकी कुंडली में चंद्रमा बुध का प्रभाव, राहु की छाया, बृहस्पति शुक्र की दृष्टि, आज मां लक्ष्मी की कृपा, आपकी जीवन में धन का आगमन, धनतेरस पर आपके लिए शुभ संयोग, दुर्लभ योग, जिससे आपके जीवन में तरक्की, समृद्धि, सौभाग्य और लाभ का सुंदर परिणाम देखने को मिलेगा। आप बड़े भाग्यशाली हैं, बड़े सौभाग्यशाली हैं क्योंकि आपकी कुंडली में इस समय सूर्य मंगल की युक्ति है। आर्थिक लाभ के मौके मिलेंगे, आपकी स्थिति पहले से मजबूत होगी। जो लोग बिजनेस करते हैं
उनके जीवन में जबरदस्त मुनाफा और लाभ का योग बन रहा है। संपत्ति के लिए समय अनुकूल है। माँ लक्ष्मी और गुरु बृहस्पति का प्रभाव आपकी जीवन की स्थिति को धन कमाने के अच्छे अवसर और आपके लिए तरक्की उन्नति का योग बनाएगा, क्योंकि आज बृहस्पति की दृष्टि मंगल और सूर्य के ऊपर है। बेहतर अवसर आपको मिलेंगे। राहु की स्थिति के कारण आप ज़्यादा धन कमाएंगे, क्योंकि राहु इस समय आपकी कुंडली में आपकी किस्मत को बदलने का काम करेगा। राहु की स्थिति साथ ही केतु का शुक्र के साथ गोचर करना और साथ में चंद्रमा की युक्ति होना आपके लिए बेहद ही शुभ परिणाम लेकर आया है। लाभ मिलने की संभावना है। जीवन में सुख समृद्धि बढ़ेगा, धन बढ़ेगा, भाग्य आपके अच्छे हैं और आपके जीवन में बड़ी तरक्की होने वाली है। आज का दिन चार चरण में व्यतीत होगा। प्रथम चरण का स्वामी मंगल है, द्वितीय चरण का स्वामी शुक्र, तृतीय चरण का स्वामी बुध है, चतुर्थ चरण का स्वामी शनि। आज धनतेरस आपकी राशि वालों के लिए शुभ मुहूर्त शाम 5:47 से 7:47 है, यानी आपके लिए पूरे 2 घंटा आज भाग्य के सितारे को चमकाने का, जीवन में सुख संपत्ति पाने का, धन कमाने का, भाग्यशाली बनने का सुंदर अवसर प्राप्त होगा। धनतेरस के दिन आप चांदी, झाड़ू, नारियल, बताशा, कौड़ी, गोमती चक्र, कमल गट्टा, लक्ष्मी गणेश की मूर्ति अवश्य खरीदें। गोमती चक्र लेना ना भूलें। गोमती चक्र से भगवान विष्णु का आशीर्वाद मिलेगा, कौड़ी से धन मिलेगा, कमल गट्टा से जीवन में समृद्धि आएगी, धनिया से आपके जीवन में बड़े लाभ के अवसर मिलेंगे और जीवन फलता फूलता रहेगा। झाड़ू से आपके जीवन में जो बुराई है, आपके जीवन की जो असफलता है, आपके जीवन की जो समस्या है, वो दूर हो जाएगी। आज का दिन आपके लिए बेहतर दिन है। लाभ मिलेगा, आप पूरी तरह से संतुष्ट होंगे, क्योंकि आज ये सौभाग्य का दिन है। जीवन में सुख समृद्धि कमाने का दिन है। अपने कार्य से सफलता पाने का दिन है। मजबूत इरादा लेकर आप अपने काम को करते जाएं। बड़ी तरक्की, उन्नति, खुशखबरी आपके जीवन में प्राप्त होगी और आपकी अभिलाषा की पूर्ति होगी। कार्य की सिद्धि से जीवन में तरक्की होती है। मान सम्मान मिलता है। आपके लिए धन कमाने का अवसर मिलता है। परिवार में खुशी बढ़ती है। लाभदायक स्थिति उत्पन्न होती है और आपके लिए समय बेहतर परिणाम लेकर आता है। आज धनतेरस के शुभ योग में भाग्यशाली साबित होगा आज का दिन, क्योंकि आपके जीवन में अनुकूल स्थिति होगी, भाग्य का पूरा साथ मिलेगा, जीवन में तरक्की उन्नति सौभाग्य सुख की प्राप्ति होगी। शुक्र के साथ केतु और चंद्रमा का गोचर, साथ ही साथ शनि की स्थिति का बेहतर होना, आपकी कुंडली में बृहस्पति की दृष्टि मंगल सूर्य के ऊपर होना इस ओर इशारा कर रहा है कि अब आपके जीवन में लाभ का समय आरंभ हो गया है, जो आपके भाग्य को चमकाएगा, बड़ी सफलता, कामयाबी, खुशखबरी लेकर आएगा। धनतेरस के दिन प्रथम चरण का मंगल आपके साहस को बढ़ाएगा। मान सम्मान और जीवन में एक अभिलाषा को उत्पन्न करेगा। साथ ही साथ शुक्र आपके जीवन में सुख देगा, आपके परिवार में खुशी लेकर आएगा। गृहस्थ जीवन के लिए समय बेहतर होगा। लाभदायक स्थिति बढ़ेगी। आप सुखों का भोग करेंगे। तृतीय चरण का बुध आपके जीवन में संपत्ति को बढ़ाएगा। नौकरी व्यापार की स्थिति को अनुकूल बनाएगा। जीवन में नए अवसर देगा। और चतुर्थ चरण का शनि, जिसके प्रभाव से आपके जीवन की हर इच्छा पूरी होगी, आपके मेहनत का परिणाम मिलेगा, आपके लिए समय अच्छा है, परिवार में खुशी बढ़ेगी, मन की इच्छा पूरी होगी, जीवन में सुख बढ़ेगा, धन का आगमन होगा, क्योंकि धनतेरस में बढ़ने वाला दुर्लभ योग शुभ संयोग आपकी किस्मत को चमका रहा है।
जिससे आपकी जीवन के कष्ट बाधा दूर होने वाले हैं। भाग्य आपके चमकेंगे, आपके लिए राजयोग का निर्माण होगा, बड़ी सफलता कामयाबी की प्राप्ति होगी और आपकी कुंडली से अशुभ प्रभाव नष्ट हो जाएगा। दुख आपके जीवन के खत्म हो जाएंगे, परेशानी भी खत्म हो जाएगी, मेहनत से सुख पाते जाएंगे, मनोकामना की सिद्धि होगी, भाग्य की वृद्धि होगी, लाभ मिलेगा, स्वाभिमान बढ़ेगा, भाग्य आपका चमकता हुआ सितारा होगा और आपके जीवन में सुख संपत्ति समृद्धि की प्राप्ति होगी। राहु काल 10:43 से 12:05 राहु काल के दौरान किसी भी शुभ काम का श्री गणेश ना करें, पश्चिम दिशा की तरफ से दिन की शुरुआत ना करें। आपके लिए लक्की कलर ग्रीन होगा, लक्की नंबर 5 होगा। ब्रह्म मुहूर्त 4:54, अभिजीत मुहूर्त 11:43, विजय मुहूर्त 1:53 और अमृत काल शाम 5:45 आपके लिए भाग्यशाली साबित होगा। तो धनतेरस को बनने वाला दुर्लभ संयोग शुभ योग में आपके लिए धन मिलेगा, भाग्य आपके चमकेंगे, जीवन में सुख सौभाग्य का योग है। आप हनुमान जी का दर्शन करें, हनुमान जी की पूजा करें। जय श्री राम, जय हनुमान।